ऑलराइट सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और ये तो अभी फिक्स ही हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं हर गैप बड़े गैप के बाद ही ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। बट आज का ब्लॉग बहुत सही होगा, क्योंकि आज हमारे पास भाई ये बीस्ट, देखो क्या बीस्ट है आज हमारे पास, फुल्ली ग्राफिक। अभी तुम लोग पूछ रहे होगे कि अपनी RR फ्यूरी किधर चली गई, तो उसका भी अलग सीनारी है, वो भी आपको चालू में जब मैं ब्लॉग कर रहा रहूँगा तब मैं बताऊँगा आपको उसका क्या सीनारी है, फ्यूरी किधर चली गई है और ये कहाँ से आई है, तो सब बताता हूँ मैं धीरे धीरे। मगर पहले राइड पे निकलते, क्योंकि मैं आज नहीं चाहता कि मैं आज लेट हो जाऊँ राइड के लिए, तो फटाफट निकलता हूँ। सब पूरी कहानी आप लोग को मैं ब्लॉग में ही बताता हूँ, तो ब्लॉग में बने रहो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और लेट्स गो। राइट, सो कैमरा एंगल सही है, सबसे मेन जो सबसे बड़ा चेंज है इसमें, क्या डिस्प्ले दिखता है यार ये। पहले वेयर योर गियर्स, ऑब्वियसली आई वेयर, और सबसे पहले इसको मैं राइडिंग मोड चेंज कर देता हूँ। इसको तो फ़िलहाल अर्बन पे चलाएंगे, जब बारिश होगी तब देख लेंगे। वैसे इसमें चार मोड है, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक, तो अभी हम तो फ़िलहाल तीनों भी मोड यूज़ नहीं करें, बारिश भी हो रही नहीं है, तो बस फ़िलहाल अर्बन पे ही चलाएँगे। और ये इग्निशन, इसका एक ही बटन में सब है, अभी ऑन हो गई। इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करता हूँ और फटाफट निकल जाऊँ, क्योंकि इसको मैंने कोल्ड स्टार्ट नहीं किया था, रात में बस फ्यूल अप करा के। और ये क्या मस्त दिख रहा है यार, फूल एकदम पानी जैसा दिख रहा है, एकदम स्मूथली, ऐसा लग रहा है कोई लिक्विड फ्लो इसमें फ्लो हो रहा है। और राइड स्टार्ट हो गई हमारी, अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मैगडी वाले पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ पे कोई है क्या नहीं, क्योंकि मैं ऐसा निकला तो नहीं वैसे किसी के साथ, सोलो ही निकला था, तो बस वो एक ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पे जान पहचान कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो बस चेकआउट करेंगे वहाँ पे कोई है क्या नहीं है, नहीं तो सीधा अपना आगे के निकलते रहेंगे। बाकी इसमें और अपने फ्यूरी में अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये देखो राइड्स तो निकले, ऑब्वियसली बात है संडे राइड्स निकलने वाले थे, और आज क्लाइमेट वगैरह सब देख के निकला था, बारिश तो आज ज़्यादा बताई नहीं गई थी, मगर अभी हल्की हल्की है ना, मेरे को लग रहा है क्या आएगी बारिश, मौसम चेंज हो रहा है। याच्या मध्ये आली बघला चाललं, अरे वा बाबा, रस्ते आहेत का चांगले तिकडे, ते पण आहे नाही, पण रस्ते तर पुढे खराब आहे, पाऊस पाणी आहे ना त्यामुळे वास दिसते वातावरण। चला दादा, स्पीड अलर्ट, अर्बन मोड पे थोड़ा RPM हाई कर रहे तो स्पीड अलर्ट आ रहा है इसमें, वाह। वैसे तो बहुत ज़्यादा राइट वेट है, बहुत ज़्यादा, तो लिटरली अगर आप अपनी जो फ्यूरी है वो चलाओगे और ये चलाओगे ना, जमीन आसमान का फ़र्क है। तो ऑब्वियसली बात है, वो मेरा फर्स्ट BS4 था, प्लस वो 35 ईयर्स एडिशन वाला था, तो वो अलग है थोड़ी बाइक इससे, वो वेट है इसमें, बट वो जब बाइक चलती है ना पूरा रोड को चिपक के चलती है, वैसा ये एकदम लाइट वेट लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं KTM वगैरह चला रहा हूँ। पूरा क्लियर रोड है अभी तक, और अर्बन मोड में ये 80-75 के ऊपर जा रहा हूँ, तो ये मेरे को बार बार स्पीड लिमिट दिखा रही है, बार बार स्पीड अलर्ट आ रहा है इधर, तो मैं सोच रहा हूँ कर दूँ चेंज अभी। अगर मोड डालू तो कौन सा, रेन मोड ही सही है, देखते दोनों में भी क्लोज थ्रॉटल तो अच्छा, तो इसको थ्रॉटल चेंज करना छोड़ना पड़ता है,
और रेड मोड में एकदम पावर कम हो गई है अभी इसकी। बाकी क्या क्लाइमेट है यार, मस्त है। मतलब बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ ना, और एक्चुअली है ना दिन के बाद आने का एक ही रीज़न था, थोड़े हेल्थ इशू भी चल रहे थे, फिर बाद में बाइक साथ नहीं दे रही थी, बाइक हमारी थोड़ा शोरूम में अभी फ़िलहाल, उसमें अच्छा खासा खर्चा आ चुका है, तो इसके लिए फ्यूरी अभी इतने दिन से गायब थी। और मैं सोचा था कि भाई फ्यूरी नहीं है तो एटलीस्ट ब्लॉग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से मिस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं। और ये इतना ही पैसे यार, इतना ऑसम लगता है ना ये लिटरली। तो कल मतलब मालूम पड़ा कि फ्यूरी में टाइम लगने वाला है रिटर्न आने के लिए, तो मैं सोचा कि उससे अच्छा चलो तो राइड तो करके आ ही सकते हैं, तो हम ये वाली बीस लेके निकल गए। देखते वैसे हम लोग ने शिरडोन के पास आ गए, परसपा वो सब तो क्रॉस हो गया कब का, ये शिरडोन का वो एरिया है। बाकी यहाँ से पूरा माथेरान दिख रहा है यार, माथेरान के पहाड़ फुल बादल में चले गए, तो आपको शायद आगे दिख जाए। और मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि आगे बारिश आएगी, क्योंकि मैं नहीं भीगना चाहता यार, सच में नहीं भीगना चाहता, बट देखते अभी निकले राइड में तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ से अभी लोनावला दिखा रहे 43 किलोमीटर और खोपोली 27, हो जाएगा। अभी तो कोई ब्रेकर वगैरह ज़्यादा सीन नहीं, अभी मस्त लंबे लंबे रोड कर्व्स, बस एंजॉय करते हुए निकलना है, दैट्स इट। बाइकर्स अच्छे खासे आए हैं यार, मेरे को पूरा मेला लगा ये टोल के बाद, तो पूरा मेला बस क्राउड देखो। ओह जीएस 1250 भाई, ये अलग लेजेंड मशीन है, एकदम अलग। वो मशीन है कि भाई तुम दुनिया में किधर भी जा सकते हो, बस फ्यूल भरना है और निकलना है, बस कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं उसके लिए। चौक और यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 20 कितना दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा कुछ भी, मेरे हिसाब से 24-25 किलोमीटर रहेगा लोनावला ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा दूर तो नहीं रहेगा, 24-25 किलोमीटर रहेगा ही। और अभी जो सीनिक व्यू मिलेंगे ना ये रोड पे, बस अभी दिल खुश हो जाएगा। मैं ये रोड आने तक का ही वेट कर रहा था कब से, अभी मस्त व्यू मिलेंगे यहाँ पे। ऊपर से गाड़ी भी हमारे इसे कलर में ना, फुल ये कलर में बोले ना, कॉन्ट्रास्ट कर दिए वो। बहुत आराम से हम लोग खोपली पहुंच गए, कुछ नहीं, बारिश कुछ तकलीफ नहीं दे रही है, बीच बीच में हल्की फुल्की आ रही है, बट एकदम सॉर्टेड क्लाइमेट रखी है बारिश ने आज। और ये खोपली में एंटर कर लिए हम लोग, यहाँ से खंडाला 16 किलोमीटर दिखा रहा है।
अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग लोनावाला में एग्जैक्टली जा रहे किधर है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ सोच के, मेरे को बस बोलते ना एक चेंज चाहिए था राइड का, बस वही करने आता हूँ। आज इतना कैसे खाली है लोनावाला, लोग खोपोली नॉर्मली तो भरा ही पड़ा रहता है, पब्लिक आती जाती रहती है यहाँ पे कंटिन्यूसली, आज पूरा खोपोली खाली है। ज़रा भी ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, या फिर मैं जल्दी आ गया इसके लिए, जल्दी आने का वैसा यही एक फ़ायदा रहता है ना, ट्रैफिक मिलती है ना कुछ, बस आराम से जाओ आराम से आओ। और आज सुबह सच में बहुत ज़्यादा आराम से जा रहा हूँ, वरना अब तक लोनावाला हम लोग टच होने चाहिए थे, गाड़ी को मैं अर्बन मोड के बाहर निकाला ही नहीं हूँ आज, वरना उधर तो हमारी RR जो अपनी है पुरानी वो मेरे ट्रैक पर ट्रैक मोड पे चलती थी ऐसा लगता था। बराबर बीच में बंद हो गया ये ट्रक, ये लोग की तो अलग स्ट्रगल रहेगा। मेरे को बस अभी थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज के नीचे कॉप्स रहते ही है, और जैसे कि हमारे बाइक में मिरर्स नहीं है तो क्या शायद वो हमें रुका सकते हैं, ऐसा मेरे को वाइब आ रही है कि वो हमें रुका तो सकते हैं, होप तो ना ही रुके, बड़ा जेन्युइन रीज़न तो है उनके पास मुझे रुकाने के लिए, और बस ना ही रुकाने के लिए मुझे फाइन मारने के लिए भी। जैसे अभी फ़िलहाल तो बस राइड के मज़े लो, जो होगा आगे देखा जाएगा। क्लाइमेट में मस्त चेंज आ चुका है, फुल ठंडी हवा आ रही है अभी इधर, जैसा घाट चढ़ के ऊपर आओ लोनावाला पूरा क्लाइमेट ही चेंज कर देता है। और ये सभी बाइकर का फेमस पॉइंट, आज वही इधर ही कोई नहीं है ज़्यादा, मैं तो नॉर्मली भरा पड़ा रहता है ये पूरा। तो वैसे अभी भी अच्छे खासे लोग हैं, प्यारा लग रहा है, मतलब दोनों साइड से ग्रीनरी, ऊपर से हल्की हल्की धूप आ रही है, बस वो पूरा बोलते ना हरियाली ज़्यादा एकदम शाइन होके आ रही है, सॉर्टेड। और यहाँ पूरा फॉग, और ऑब्वियसली बात है क्या व्यू है यार, लिटरली क्या व्यू है, यहाँ नहीं रुका था और किधर रुके, ऐसा होगा फिर। सब जगह पे बस पब्लिक ही पब्लिक है यार, क्या क्लाइमेट हो गया यार लिटरली। चलो मेरे को तो फुल वर्थ लगा इधर आना, वेयर इज़ माय माइक। हाँ क्या क्लाइमेट है गाइस, देखो फुल पीस, और इतने सारे बाइकर्स आए ना लिटरली, मतलब आप लोग देखो इधर को कितने बाइकर्स हैं यहाँ पे, और ये हमारी क्या दिख रही है मेरे को, ये मतलब बोलते ना पूरा कॉन्ट्रास्ट लग रही है ये व्यू पे, ऐसा व्यू दे रही है ना ये, क्या बता बोले ना एकदम कैची। जब से रुका हूँ मैं सब पब्लिक देख रही है कि भाई ये क्या, कौन सा ग्राफिक कराया, किधर से, कितने लोगों ने पूछा कि भाई ग्राफिक किधर से कराया। ये हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, अभी मस्त फॉग पूरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, अब बस हर जगह बाइकर्स ही बाइकर्स। मेरे को अभी लग रहा है बारिश आने वाली है, लग रहा क्या है धीरे धीरे आने चालू भी हो गई है, तो सोच रहा हूँ अभी करना क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा रुकूँ, थोड़ा और कुछ कंटेंट शूट करूँ, या फिर आगे बढ़ूँ, या फिर रिटर्न चलूँ, देखते हैं।
बारिश को देख, अगर बारिश होने लग जाएगी तो मैं मोस्टली रिटर्न ही निकलूंगा, क्योंकि मेरा भीगने का ज़रा भी मन नहीं है। फिर भी देखते आए तो कुछ तो कुछ ना कुछ ना कुछ तो शूट तो करके निकलेंगे। चलो गाइस, इधर बारिश बढ़ गई है, इधर रुक के मतलब नहीं है। मैं आगे जाके रुकने का सोच रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे नहीं रुक सकते, यहाँ पे ज़्यादा बारिश आ रही है। गियर शिफ्टर, अरे बहुत टाइम के, मैं कब से पहचाने गए शहबाज 02 किधर निकले थे हम लोग, ये कटलदार है, वाटरफॉल है ना यहाँ पे, हाँ वही जा रहे हैं। ये भी अपना भाई है ना मुंबई का। अच्छा तो आप कंटिन्यू कर रहे हो आगे? हाँ आगे जा रहे हैं। चलेगा, आप आओ, मैं इधर आगे जा रहा हूँ आज। चलो हुआ तो मिलो। चलेगा चलेगा, चलो बाय। अभी रुकना ही पड़ेगा इधर। तो अभी इधर हम लोग रुके, एक चाय तो बनती है इधर। काका एक चाय देना। ये क्लाइमेट में बस एक गरम गरम सॉल्टेड चाय चाहिए थी बस। हाँ वादा से अभी लिखना है ना, बस एक बस। चलो चाय के चुस्की लेते हैं अभी। ऑलराइट, मतलब एक चाय पी के बस फॉग वगैरह क्लियर होने तक बस धूप आ गई है इधर, पूरा क्लाइमेट क्लियर हो गया बस। अभी थोड़ा मतलब ना गर्म होने लग गया है थोड़ा, बस देख रहा हूँ अभी और कुछ क्लिक करना है नहीं करना है। ओके, ये इतना पैसेज मेरे को इतना ना सही लग रहा है, देखो एकदम पीस आउट। कब से इधर ही बैठा था मैं, पर अभी धूप ज़्यादा लगने लग गई इसके लिए उठ गया। चलो जाते हैं अभी, आज की ब्यूटी। जैसे मैंने बोला था घर वापसी के टाइम सुबह से बारिश नहीं थी, थोड़ा हल्का फुल्का फॉग वगैरह ये सब आ रहा था, मगर घर जाते टाइम बारिश आ गई और अच्छी खासी आई थी बीच में, जो कि तब मेरा कैमरा बनता है इसके लिए, चलो अच्छी बात थी। जो बहुत ज़्यादा एक बोलते ना झटका सा आया बीच में और बस, और पूरा भिगा के चला गया पूरा रोड भीड़ सब। तो अभी सोच रहा हूँ क्या मेरे को कुछ खाना है, क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह से चाय पिया था, बाकी तो कुछ खाया नहीं, तो भूख तो लग रही है। बट ये भी लग रहा है कि अभी घर जाके खाना खाऊँ, मतलब अपने एरिया में देख लूँ, या फिर बीच में रुकूं। मोस्ट प्रोबेबली मैं तो अपने इधर जाके खा लूँगा, क्योंकि अभी ये फिर से इतना सब सेटअप डालो निकालो ये सब करना थोड़ा समझ सकते हो। उससे अच्छा तो फिर मैं डायरेक्ट निकलता ही हूँ, और अभी धूप भी गिरने लगी तो फटाफट रोड सूख जाएगा, तो अच्छा खासा स्टेज लेके मैं फटाफट चला जाऊँगा। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किया था। आई नो बहुत गैप के साथ ब्लॉग आ रहे, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब रेगुलर हो जाएगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट आएंगे। बस थोड़ा एक बार हमारी बाइक आ जाए, और भी थोड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताते रहूँगा मैं। तो बस अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।